हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप एवरीवन इज़ फाइन आउट देयर। सो आज मैं अपने गांव लेके जाऊंगी आप लोगों को, दिखाऊंगी मेरा गांव कैसा है। तो चलिए फिर আজি পঠাল যাব লাগিব দে সিম্পি মোৰ লগত যাম যাম লৈ মই কথা তুলি আছো মোৰ লগত যাব লাগিব ৰুবলৈ ফাইনালি মই গাঁও পহঁচ গৈ আপ দেখ সকতে হো গাঁও हम लोग का गांव का नजारा ये है। ये है मेरा भाई। हाय। अभी मैं आप लोगों को खेत लेके जा रही हूँ। दीदी लोग का खेत में अभी धान लगा रहे हैं, तो वही दिखाने आप लोगों को ले जा रही हूँ। चलिए फिर देखते हैं क्या क्या होता है खेतों में। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है खेतों में, आप देख सकते हो। खेतों में काम कर रहे हैं तो हम लोग को ऐसे जाना पड़ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो दीदी एंड भैया लोग काम कर रहे हैं। मैं तो नहीं खा सकता। मैं तो नहीं खा सकता।
ये छोटे छोटे बतख देख रहे हैं आप लोग, देखने में इतना क्यूट लग रहा है, खेल रहे हैं वो लोग पानी में, अच्छा लगता है ये। दीदी अभी बैम्बू शूट काटने के लिए जा रही है, फ्रेश बैम्बू शूट काटेगी अभी। ये हम लोग का घर पे ही है, ये देख सकते हो बैम्बू शूट अभी दी काटेगी, ये बहुत ही फ्रेश है। एंड ये हम लोग बॉईल करके भी खाते, फ्राई करके भी खाते, बहुत फर्मेंटेड करके भी रखते, बहुत ही अच्छा है खाने में, टेस्टी होता है। एंड ये मोस्टली गांव में मिल ही जाते हैं सबके घरों पे। जो बैम्बू शूट अभी हम लोग काट के लाए थे, अभी दीदी काट रही है उसको सब्जी बनाने के लिए चिकन के साथ। बहन यहाँ पे आलू काट रही है, दोनों माँ और बेटी बिजी है काटने में, अभी चिकन बनाएंगी दीदी। की कोई से ओ आइटम की कोई से मो ब्लॉग तो हाय कोई दियो तो यहाँ पे भैया सुपारी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। ये भैया अभी जो सुपारी तोड़ रहे उसको कुछ डर नहीं लग रहा है, आप ये मत सोचिए कि मतलब किसी ने उसको फोर्स किया या ऐसा कुछ, क्योंकि ऐसा होता है सभी के घरों पे, गांव पे ज़्यादातर ऐसे ही सुपारी तोड़ते हैं, कोई डर नहीं क्योंकि प्रोफेशनल होते ये लोग करने में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भैया एक पेड़ पे उठ के दूसरा पेड़ पे कैसे जा रहे बिल्कुल मोगली की तरह बहुत सी जगह में ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग का गांव पे ये ज़्यादातर होता ही है, डर भी नहीं लगता है भैया को क्योंकि हमेशा करते रहते ये काम। सो दादी अभी आग जलाएगी सो ये चौके पे, तो यहाँ पे खाना बनाएगी अभी दादी। सो बहन अभी दादी से पैसा मांग रही है ऑटो पे जाने के लिए, सो ये कॉलेज जा रही है। टाटा जाओ रे, बाय बाय। आको किटिया हिबी, किटिया हिबी मय हुन जाय कमे एक घंटा राही अपने लोग कमे। ठीक है सर, जल्दी आहिबी। ठीक है सर, बाय बाय। ठीक है इमान गरम ना, एक फुल ऑन बिजी है फोन में, ये हमेशा बिजी रहती है, आई मीन हमेशा बिजी ही रहती है वो, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है। सो है कि नहीं लॉकी, है ना कोई नहीं, खाना हो चुका है। एंड अभी जो मेरी दीदी है वो खाना परोस रही है।
सो भाई को मैंने वो पत्ता तोड़ने के लिए बोला था, मेरे को चाहिए क्योंकि आज मैं एक रेसिपी बनाऊंगी। सो वो तोड़ रहा है मेरे लिए। भास्कर अलग भल्के सिंगी भी पोड़ी भी सभी सो अभी लंच करके पूरा फ्री हो गई हूँ। अभी कुछ है नहीं तो इसीलिए बाहर पे बैठे हम लोग रोड साइड पे। ये रही कामचोर वाली। बहुत दिन गांव में आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का नज़ारा, यहाँ के लोग गांव के बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि ये मैं खुद का गांव है तो मैं खुद से गर्व से बोल सकती हूँ कि बहुत ही प्यारा गांव है। आप भी विजिट कीजिए हम लोग का गांव, अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद आई हूँ तो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।